भैया सात दिन के अंदर हम यहाँ ठोकर कर देंगे, नहीं देंगे तब जाम कर दीजिएगा। कोडरमा जिला के अंतर्गत लोकाई पंचायत गोसाई टोला में जिला से लगभग 3 किलोमीटर दूरी कोडरमा से गिरिडीह मुख्य मार्ग जाती है। लोकाई गोसाई टोला के बीच है। ठोकर नहीं होने के कारण से सिकेंद्र नाथ गोस्वामी की पत्नी अपने घर के ही सामने एक्सीडेंट होकर मर गई। वो सिकेंद्र नाथ गोस्वामी के अलावे 30 लोग प्रभावित है। अच्छा, आपकी पत्नी का एक्सीडेंट कैसे हो गया था? हम नहीं थे। वो घर में क्या कर दी, गर्मी में मर देते हैं, चलते चलते में मार देता है, बच्चा के मार देता है, आदमी के घर रुक के मारता है, अंगना रुक के मारते हैं। आप क्या चाहते हैं? ठोकर चाहते हैं, क्या चाहेंगे? कितना ठोकर होना चाहिए? 3 गो होना चाहिए। तो इसके लिए आप लोग कुछ प्रयास किए हैं? हाँ किए ना, तो वीडियो साहब से प्रयास किए, 7 दिन के टाइम लिए हैं कि 7 दिन में दे देंगे। तो कितना दिन पहले प्रयास किए थे? कितना दिन हुआ? 15 दिन हुआ। 15 दिन हो गया। 15 दिन वो जो पेपर बना हुआ है और 7 दिन में वो लोग पूरा नहीं कर पाया, उसके बीच में ये हादसा हो गया। और वो जब हादसा हुआ तो पब्लिक यहाँ का मूड बदल गया। बोला कि 7 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर हम पकड़ दिला देंगे, से लाश को उठाने दीजिए। तो हम लोग उसको बात मान के उठाने दे दिए लाश के। अब लाश उठा के गया, उसके बाद में वीडियो साहब ने कुछ बोला न कुछ कहा। उसके बाद फिर 15 दिन हुआ, 15 दिन के बाद फिर एक्सीडेंट हो गया, दूसरा हो गया। तो सबको मिल के रोड कर दिया, सब औरत में सगर गए। वीडियो साहब अपने मुँह से बोला था कि यदि हम 7 दिन के अंदर नहीं दिलाएंगे ठोकर तो तुम लोग सब महिलाओं में मिल के कोट दिया। मैं ये वीडियो इसलिए बनाई हूँ, सिकेंद्र नाथ गोस्वामी के पत्नी एक्सीडेंट होकर मर गई, जो कि अंतिम संस्कार के नाम पर 20,000 रुपया देने का प्रशासन बोला और 5,000 रुपया दिया, 15,000 रुपये बाकी है। इसके अलावे एक और व्यक्ति एक्सीडेंट हो गया, जो कि वहां के लोगों को 30 लोगों पर रोड कोड़ने के नाम पर केस हो गया है। अतः आप सभी दर्शकों से विनम्र अपील करती हूँ, जिला उपायुक्त के रवि कुमार 99-349-35-997 पर कॉल कर दबाव बनाए, ताकि सिकेंद्र नाथ गोस्वामी के अलावे 30 व्यक्ति को, जो दोनों को 15,000 बाकी है राशि, वो मिले और 30 लोगों पर जो केस हुआ है वो केस रद्द हो एवं वहां पर ठोकर बने, ताकि आगे से ये घटना घटने का ना संभावना ना हो। मैं डिम्पी देवी, जिला कोडरमा से, झारखंड, इंडिया 100 के लिए।